गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉमिस एपीआई किस तरह से इस्तेमाल करनी है। प्रॉमिस एपीआई के अंदर आपको बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग को एक एपीआई मिलती है, जब सारी की सारी प्रॉमिसेस फुलफिल हो जाएंगी तब आप कोई पीस ऑफ कोड रन कर पाओगे। अगर आपके पास 10 प्रॉमिसेस हैं और आप उन सबका इंतजार साथ में करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो प्रॉमिस एपीआई के मेथड्स को इस्तेमाल करके। 6 प्राइमरी मेथड्स की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस एपीआई को, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक रैपल बना के रख दी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रैपल में हमारा टाइम वेस्ट हो। अब प्रॉमिस एपीआई क्या है? देखो, हमने डॉट कैच वगैरह सब कुछ देख लिया, चेनिंग देख लिया, मल्टीपल हैंडलर कैसे अटैच करने ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉमिस एपीआई को। तो देखो, कुल मिलाकर कुछ नहीं है, बस कुछ मेथड्स हैं जो कि प्रॉमिस क्लास हम लोगों को देती है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेथड को देखते हैं जो कि है प्रॉमिस डॉट ऑल। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग को 3 प्रोमिसेस बना कर दूँगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि कहूँगा लेट P1 इज इक्वल टू, और बोलूँगा यहाँ पर न्यू प्रोमिस और रिजॉल्व रिजेक्ट, और इसके बाद वही जो हम करते हैं, और सेट टाइम आउट रिजॉल्व, मान लो मैं इसको वैल्यू 1 से रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? और सेम चीज़ मैं करूंगा P2 के साथ, सेम चीज़ मैं करूंगा P3 के साथ भी, ठीक है? और P2 कर दिया ये मैंने, P3 कर दिया। अब आप लोग यहाँ पर देखो, इसको मैं 2 कर दूंगा और इसको मैं 3 कर दूंगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये तीनों प्रोमिसेस एक साथ चल पड़ेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब P1, P2 और P3 तीनों हो जाएं तब जाकर मुझे कुछ कंसोल पर दिखाई पड़े कि भाई तीनों हो गई हैं। तो मान लो मैं कहता हूँ कि यार, मान लो मैं कहता हूँ कि P1 डॉट देन, और उसके बाद मैं इसकी जो वैल्यू है उसको मान लो लेना चाहता हूँ, तो मैं कह दूंगा भाई कंसोल डॉट लॉग ऑफ वैल्यू, ठीक है? अगर मैं ऐसा करूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, आप भी कहोगे कि यार हाँ, मुझे पता है कि वैल्यू 1 जो है 1 सेकेंड के बाद मुझे देखने को मिल जाएगा। और मान लो मैं यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद वैल्यू 1, और 2 सेकेंड के बाद मान लो वैल्यू 2, और 3 सेकेंड के बाद वैल्यू 3 प्रिंट करता हूँ, तो ये तो यार देखो, आप कहोगे यार देखो बार बार एक बात मत बताओ, हो सकता है आप में से कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, यार बार बार एक बात क्यों बता रहे हो? आपको अगर बार बार ये क्यों बता रहे हो कि भाई अगर 3 प्रोमिसेस हमारे पास P1, P2, P3, P1 डॉट देन करने से क्या होगा कि P1 की वैल्यू जो है आप यहाँ पर कंसोल लॉक कर सकते हो, P2 डॉट देन करने से जब भी P2 रिजॉल्व हो जाएगी तब उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, P3 जब रिजॉल्व हो जाएगी तब P3 डॉट देन करने से उसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको अगर ये मत बताओ, ये हमें पता है रिलोड करने से यहाँ पर 1 सेकेंड बाद वैल्यू 1 आएगी, फिर उसके 1 सेकंड बाद वैल्यू 2, फिर उसके 1 और सेकंड बाद वैल्यू 3, ये हमें पता है। आपको क्या कुछ नया बताओ, तो कुछ नया सुनो यार, नया मैं बताता हूँ। नया ये है कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि जब ये तीनों के तीनों हो जाएं, ठीक है, जब ये तीनों के तीनों हो जाएं तब ये तीनों वैल्यू मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, ये आप कैसे करोगे? तीनों जब हो जाएं तब तीनों वैल्यूज़ मैं एक साथ देखना चाहता हूँ। आप कहोगे यार सिंपल सी बात है, मैं सीधा P3 को वेट कर लूँगा क्योंकि भाई ये 1 सेकंड में हो रहा है, ये 2 सेकंड में हो रहा है, और यहाँ पर मैं P3 को कर लूँगा यहाँ पर डॉट देन, और P3 के डॉट देन के अंदर मैं P1 और P2 की वैल्यू को प्रिंट कर लूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पता है कि P1 1 सेकंड में रिजॉल्व हो रही है, P2 2 सेकंड में रिजॉल्व हो रही है, P3 3 सेकंड में रिजॉल्व हो रही है। रियल वर्ल्ड थोड़ा सा मैसी होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मान लो आप नेटवर्क से कुछ डेटा लेकर आ रहे हो, तो आपको पता नहीं होता है कि आपका डेटा 3 सेकंड में आने वाला है या 4 सेकंड में आने वाला है या 400 मिलीसेकंड में आने वाला है। हो सकता है कि भाई सर्वर स्लो हो, 10 सेकंड में आए डेटा, हु नोस। तब आपको ये वैल्यूज़ पता नहीं होती हैं, ये वैल्यूज़ रैंडम नंबर्स होती हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि मैं मैट डॉट रैंडम लगा के रैंडम नंबर जनरेट कर दूँ यहाँ पर, तब तीनों की तीनों वैल्यूज़ आप एक साथ कैसे देखोगे? जब तीनों रिजॉल्व हो जाए तब आप तीनों वैल्यूज़ एक साथ कैसे प्रिंट करोगे? आप यूज़ करोगे प्रॉमिस एपीआई का और प्रॉमिस डॉट ऑल का। अगर मैंने प्रॉमिस डॉट ऑल करके एक एरे ऑफ प्रॉमिस दे दिया, मान लो मैं यहाँ पर एक, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ सबसे पहले, जो डॉट देन मैंने लगाए तीनों पर इंडिविजुअल, ये आपको पता था। अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, मैं कहूँ कि प्रॉमिस अंडरस्कोर ऑल इज इक्वल टू, और हाँ मैं लेट भी लगाऊँगा,
मैं कर दूं प्रॉमिस डॉट ऑल, और मैं कहूंगी भाई P1, P2 और P3 ये मेरी एक प्रॉमिस बन गई है प्रॉमिस डॉट ऑल की सहायता से। अब ये क्या है, क्या किया गया है यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। जब भी मैं प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ करके एरे दे देता हूँ और एरे दे के मैं तीनों प्रोमिसज लिख देता हूँ, तो जब ये तीनों वैल्यूज रिजॉल्व हो जाएंगी उनकी वैल्यूज का एरे बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं कह सकता हूँ प्रॉमिस ऑल डॉट देन, और मैं कह सकता हूँ कि भाई एक एरो फंक्शन वैल्यू, और कुछ इस तरह से मैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू कर सकता हूँ। अब मैं रिलोड करूँगा तो जब सारी की सारी प्रॉमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगी तब यहाँ पर आप लोग को एक एरे देखने को मिलेगा। एक मिनट इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से। जब तीनों की तीनों प्रोमिसज मेरी रिजॉल्व हो जाएंगी P1 P2 P3 तब क्या होगा कि यहाँ पर हमें एक एरे देखने को मिलेगा तीनों प्रोमिसज का। अब देखो मैंने रिलोड किया P1 P2 P3, जब तीनों रिजॉल्व हो जाएंगी तब एक एरे देखने को मिलेगा वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3। कितने सेकंड बाद देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली 3 सेकंड बाद देखने को मिलेगा। 1 सेकंड में ये वाली रिजॉल्व हो जाएगी, 2 सेकंड में ये वाली रिजॉल्व हो जाएगी, एंड फाइनली 3 सेकंड में आपकी ये वाली रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन तीनों की तीनों प्रोमिसज कब रिजॉल्व हुई, यानी कि ऑल प्रोमिसज कब रिजॉल्व हुई, 3 सेकंड बाद, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले प्रॉमिस है वो ही डिसाइड करेगी कि जो हमारा प्रॉमिस डॉट ऑल है तीनों प्रॉमिसेस कब रिजॉल्व होनी। तो तीनों प्रॉमिसेस हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी 3 सेकंड में, और 3 सेकंड के बाद ये वाला आपका हैंडलर रन हो जाएगा। तो ये था प्रॉमिस डॉट ऑल। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड क्या है, प्रॉमिस डॉट ऑल तो अगर मान लो मैं इनमें से किसी एक प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर रिजॉल्व ना करने की बजाय मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ एक प्रॉमिस को, मैं कहूँ कि यार रिजेक्ट और न्यू एरर, हाँ न्यू एरर ही चाहिए, आ जाओ भाई रैपलेट, थैंक यू। अब मैं रिलोड करूँगा इसको, एक्चुअली सेव होने में टाइम लगता है। अब देखो एरर आ गया प्रॉमिस में। अब आपको यहाँ पर एरर तो देखने को मिला, लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आपने ये देखा कि आपका प्रॉमिस डॉट ऑल नहीं चला, आपको एरर देखने को मिल गया। तो प्रॉमिस डॉट ऑल मैंने चलाया और एक भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हुई तो मेरी प्रॉमिस डॉट ऑल नहीं चलेगी, एक एरर बन जाएगा और वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और वो एरर मुझे कैच करना पड़ेगा, इसका प्रॉमिस डॉट ऑल को मैं डॉट कैच करके इस एरर को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों में से कोई भी एक भी अगर फेल हुई तो कोई बात नहीं, बाकी के दो का रिजल्ट्स दे दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉमिस डॉट ऑल की जगह यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर आप लोग को इसको रेप्लिकेट करके दिखाता हूँ, हम ऑल सेटल्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, और ये ऐसे नहीं होता है, कैपिटल लेस होता है, ऑल सेटल्ड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट इसको रिलोड करता हूँ दोबारा से, और 3 सेकंड के बाद देखो यहाँ पर हमको स्टेटस और वैल्यू, स्टेटस और रीज़न, स्टेटस और वैल्यू देखने को मिल गया। इजेंट इट अमेजिंग। अब आप बताओ कि यहाँ पर हमें एरर नहीं मिला, एक प्रॉमिस हमारी रिजेक्ट हुई लेकिन हमें उसका एरर देखने को नहीं मिला, हमें क्या देखने को मिला, हमें उस प्रॉमिस का यहाँ पर स्टेटस और वैल्यू देखने को मिला। तो यार मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगी चीज़ यार, आपको कैसी लगी मुझे नहीं पता। अब इसके बाद प्रॉमिस डॉट रेस, ये थोड़ा फनी सा मेथड है, मज़ा भी आता है इसके बारे में बात करने में। तीनों में से जो पहले हो जाए उसका रिजल्ट आप लोग को दे दिया जाएगा, और मैं दोबारा से इसको रेप्लिकेट करना चाहूँगा और प्रॉमिस डॉट रेस यूज़ करूँगा। और प्रॉमिस डॉट रेस क्या करेगा, मैं ज़रा ये एरर हटा के इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दे दूँगा, मैं इसको रिलोड करूँगा और आप लोग देखो कि वैल्यू 1 सबसे पहले यहाँ पर रिजॉल्व हो गई इसलिए वैल्यू 1 आ गया। अगर मान लो मैं इसको 11 सेकंड में कर दूँ तो जाहिर सी बात है वैल्यू 2 देखने को हमें मिल जाएगा। तो कोई भी जो भी पहले हो जाए रिजॉल्व यार, वो आपको देखने को मिल जानी है। तो ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोग देखना P1 P2 P3 में से सबसे पहले रिजॉल्व हुई हमारी P2, क्योंकि इसको मैंने 11 सेकंड कर दिया इसलिए यहाँ पर प्रॉमिस डॉट रेस ने P2 कर दिया। अब अगर मान लो P2 हो जाती रिजेक्ट, मान लो तब क्या होता, अगर P2 रिजेक्ट हो जाती तब क्या होता, एक मिनट सेव हुआ नहीं था, मैं रिलोड करता हूँ, अब सेव हो गया होगा। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि भाई सबसे पहले एरर इसने थ्रो कर दिया तो ख़त्म, एरर आ गया। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी वैल्यू चाहता हूँ जो कि रिजॉल्व हो एक्चुअल में, मैं एरर नहीं चाहता हूँ, तब मैं प्रॉमिस डॉट रेस का वेरी सिमिलर मेथड प्रॉमिस डॉट एनी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मुझे
एक वैल्यू देगा एक्चुअल में, इस बार एरर नहीं देगा ये मुझे, जो भी पहले मुझे एक्चुअल रिजॉल्व वैल्यू मिलेगी वो देगा। तो मैं प्रॉमिस डॉट एनी अगर करूं तब क्या होगा, इसको थोड़ा सेव होने में टाइम लगता है, सेव होने में टाइम लग गया इसको। और अब मैं इसको अगर रिलोड करूं दोबारा से, तब आप लोग देखो कि मुझे वैल्यू 3 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे वैल्यू 3 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है वेट्स फॉर द फर्स्ट प्रॉमिस टू सेटल एंड इट्स रिजल्ट बिकम्स द आउटकम। और प्रॉमिस डॉट एनी में फुलफिल करने का वेट करता है, रिजेक्ट करने का नहीं, रिजॉल्व होने का। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉट रिजेक्टेड, रिजेक्ट होने का वेट नहीं करता है, रिजॉल्व होने का ही वेट करेगा किसी भी एक प्रॉमिस की। अगर कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो पाई तो फाइनली एक एरर इसको मजबूरन थ्रो करना पड़ेगा, जो कि एग्रीगेट एरर होता है। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप एक वैल्यू देते हो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को और आपको वो एक रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट आपको एक रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न करके देता है विद दैट एरर। ठीक है, और आप आराम से ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर जल्दी से प्रॉमिस डॉट, मैं आपको प्रॉमिस डॉट यहाँ पर रिजॉल्व और प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट भी करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व 6 कर दिया, ठीक है, और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व मैंने करा यहाँ पर, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करूँ यार, इसको हटा देता हूँ। सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप लोग थोड़ा टाइम दिया करो टैपलेट को कि ये सेव हो जाए। देखो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। हाँ, ये एरर थ्रो कर रही है मेरी, क्योंकि यहाँ पर जो P2 है वो प्रॉमिस एरर थ्रो कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को रिजेक्ट कर दूँ और मैं यहाँ पर उप्स, और मैं यहाँ पर एक न्यू एरर थ्रो करूँ और यहाँ पर मैं हे लिख दूँ और वेट करूँ इसके सेव होने का, एक मिनट यार ये क्या कर दिया मैंने, मुझे इसका कमेंट आउट करना पड़ेगा। देखो एरर हे आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो रिजेक्टेड प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। सो आई होप कि यार आप लोग को समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब हम लोग नोट्स पे देख लेते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। हमने 6 स्टैटिक मेथड्स की बात की प्रोमिसज की। सबसे पहले प्रॉमिस डॉट ऑल, जो कि क्या देता है हमको, सारी प्रोमिसज का वेट करेगा और एक प्रॉमिस देता है और वेट्स फॉर ऑल प्रोमिसज टू रिजॉल्व एंड रिटर्न्स द एरे ऑफ देयर रिजल्ट्स, उन सब के रिजल्ट्स का एरे आपको देता है। इफ़ एनी वन फेल्स इट बिकम्स द एरर एंड ऑल अदर रिजल्ट्स आर इग्नोर्ड। अगर उनमें से एक भी फेल हुई तो वो जो फाइनल प्रॉमिस जो हमने यहाँ पर बनाई थी, जिसका नाम हमने प्रॉमिस ऑल दिया था, वो आपका एरर बन जाएगा, एरर थ्रो कर दिया जाएगा। ऑल सेटल्ड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आपने 6 मान लो प्रोमिसज दी प्रोमिस डॉट ऑल को, प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड को, और 6 में से मान लो 2 एरर देती हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाकी 4 के भी रिजल्ट मिल जाएंगे और जो एरर दे रहा है उसका भी आपको जो है स्टेटस मिल जाएगा। प्रॉमिस डॉट रेस में रेस लड़ती है प्रॉमिसज की, जो पहले सेटल हो जाए, ठीक है, और या फिर जिसमें भी पहले एरर आ जाए। प्रॉमिस डॉट एनी में एरर अगर आ गया किसी में तो वो अगली ट्राई करेगा, और अगर सारी की सारी फेल हो गई तो एग्रीगेट एरर थ्रो कर देगा। वेट्स फॉर द फर्स्ट प्रॉमिस टू फुलफिल एंड नॉट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड नहीं, रिजॉल्व, ठीक है, एंड इट्स रिजल्ट बिकम्स द आउटकम। थ्रोज एग्रीगेट एरर इफ ऑल द प्रोमिसज आर रिजेक्टेड। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डायरेक्टली एक आपको रिजॉल्व प्रॉमिस देता है, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट आपको एक रिजेक्टेड प्रॉमिस देता है। अब आप लोग अपनी कस्टम प्रॉमिसज के साथ ये चीज़ ट्राई करो। आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि मैं यहाँ पर रिटर्न न्यू प्रॉमिस क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं प्रॉमिस को मिमिक कर रहा हूँ। जब भी आप एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो, जैसे मान लो MongoDB यूज़ करोगे, तब वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली एक प्रॉमिस रिटर्न होके मिलेगी। FetchAPI आप लोग यूज़ करोगे, आपको प्रॉमिस रिटर्न होके मिलेगी। यहाँ मैं उस चीज़ को मिमिक कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग। सो आई होप कि आप लोग को जो है ये समझ में आ गया। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि एसिंक अवेट हम यूज़ करेंगे उसमें, और मज़ा अलग ही लेवल पे आएगा वहाँ पर, तो आप लोग उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं करी है तो यार कर लो उसको, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।